वालेकुम व्यूअर्स दिस इज़ अरहम नाइम एन तलाल कुरेशी एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एनिमल जरीना और आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको इन्फॉमेशन प्रोवाइड करने वाले हैं रिगार्डिंग द गिनी फॉल जिसको तेतरी मुर्गी या फिर चाइना की मुर्गी भी कहा जाता है अब अगर आप बात करते हैं आज से तकरीबन पाँच से छः साल पहले की तो इट वॉज वन ऑफ़ द मोस्ट लीस्ट कॉमन बर्ड्स इन पाकिस्तान लेकिन आज कल ये पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा मेदार में पाया जाता है क्योंकि लोगों को जब से इसकी सिग्निफिकेंस का अंदाजा हुआ है तो लोगों ने इसकी फार्मिंग करना स्टार्ट कर दी है और इसको बेसिकली गोश्त और अंडों वगैरह के लिए इसकी फार्मिंग की जाती है आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको इसके मुतालिक तमाम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं सो लेट्स गेट स्टार्ट हिस्ट्री के ऊपर अगर इनकी बात की जाए तो आठ सौ से नौ सौ साल पहले इनका प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन दी गई थी और ये जो है ये वेस्ट इंडीज़ और अफ्रीका के ममालिक के अंदर बा पाया जाता था और ये वहाँ की ब्रीड है बेसिकली और बाद में इसको एशिया के अंदर भी इम्पोर्ट करवाया गया और वहाँ पर इसकी प्रॉपर ब्रीडिंग स्टार्ट करवाई गई अब एशिया के बहुत से के अंदर भी ये ईजीली अवेलेबल है और इसको एज आ फूड के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है और इसके अंडे भी खाए जाते हैं और इस्लाम में ये एक हलाल जानवर है और इसका गोश्त भी खाया जाता है ब्रीड्स के अगर इनकी बात की जाए तो इसके अंदर बेसिकली सात से आठ ब्रीड्स हैं लेकिन कॉमनली जो सी है वो चार से पाँच है जिनको प्रॉपर जाना जाता है एक इनके अंदर आ जाती है नॉर्मल जो सी गिनी फाउल होती है उसके बाद आ जाती है क्रस्टेड गिनी फाउल और वलचल गिनी फाउल और जो सी इनकी आइडेंटिफिकेशन है प्रॉपर जो सी ये मेल की जो सी कलगी होती है वो थोड़ी सी बड़ी होती है और इसका जो सर के ऊपर जो है इसका ये सींग आप देख रहे होंगे ये थोड़ा सा बड़ा होता है और फीमेल का थोड़ा सा छोटा होता है और जो इसके नीचे जो ये मास्क लटका होता है ये मेल का बड़ा होता है और फीमेल का छोटा होता है और इनके अंदर फीमेल की जो आवाज है ये ज़्यादा होती है कॉमन गिनी फल के कलर के ऊपर बात की जाए तो इसके अंदर जो से चार कलर आ जाते हैं एक वाइट आता है एक ब्लैक आता है और एक सिल्वर आता है और इनके अंदर एक जो सा चौथा कलर है वो पाइड आता है जो उन मिक्सिंग करके बनाया जाता है एज के ऊपर अगर इनकी बात की जाए तो इनकी एजी है डोमेस्टिक के अंदर सात से आठ साल है और वाइल्ड के अंदर जो है इनकी एज है वो दस से तेरह साल इजीली सरवाइव कर देते हैं इनके वेट के ऊपर बात की जाए तो इनका जो सा वेट है वो सात सौ से लेकर सोलह सौ ग्राम तक होता है और अगर इनकी लेंथ की बात की जाए तो इनकी लेंथ जो है वो सोलह से लेकर अट्ठाईस इंचिस तक होती है नेचर के अगर इनकी बात की जाए तो नेचर इनकी ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होती बल्कि ये थोड़े से डरे सहमे रहते हैं यानी कि इनके पास अगर आप ज़रा सा शोर करेंगे तो ये भाग जाएंगे अगर आप इनको बचपन में लेके पालते हैं तो ये आपसे ज़रा अटैच हो जाते हैं यानी कि अगर आप इनको खोलेंगे तो ये आपसे डर के भागेंगे नहीं बल्कि आपके इर्द गिर्द भी खेलेंगे फूड की अगर इनकी बात की जाए तो इनको मुर्गी दाना जो सा आता है वही डाल दिया करें और अगर इनको सब्ज़ी की तरफ जाएँ तो इनको धनिया वगैरह डाल दिया करें और जो सा घर का बचा उचा यानी कि रोटी वगैरह छान छानबरे की जो उन होती है उन्हें भिगो के डाल दें ये चावल जो उनसे बचे होते हैं बॉयल वो डाल दिया करें यही सब कुछ इनकी फूड होती है ये कीड़े मकोड़े भी खाना पसंद करते हैं और इनकी परवरिश वगैरह उनसे अच्छी होती है अगर हम बात करते हैं सबसे पहले इनकी इन्वायरमेंट के ऊपर तो ग्रीन फॉल बेसिकली एक ऐसा बर्ड है जो खुली इन्वायरमेंट के अंदर रहना ज़्यादा पसंद करता है आप इनको जितना ज़्यादा वेस्ट एटमासफेयर प्रोवाइड करेंगे ये उतनी ज़्यादा अपनी प्रोग्रेस अच्छी रखेंगे गिनी फॉल बेसिकली खेलना कूदना पसंद करते हैं और छोटी मोटी फ्लाइट वगैरह भी आप कह लेंगे करते हैं तो अच्छी बात है कि आप इनको खुला मॉल प्रोवाइड करें और किसी ऐसी जगह के ऊपर रखें जहाँ इनको खेल कूद वगैरह करने की जगह मिले अब अगर हम इनकी ब्रीडिंग के ऊपर बात कर लेते हैं तो गिनी फॉल आपको थ्रू आउट द ईयर ही जो ब्रीड है वो प्रोवाइड कर देता है लेकिन गर्मियों के अंदर जो इसकी एग्स की रेशो है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू द विंटर्स सर्दियों के अंदर जाने के बाद क्लाइमेट चेंजेस की वजह से इसकी एग्स की रेशो कम हो जाती है अब अगर हम इनकी मेच्योरिटी एज की बात कर लेते हैं तो गिनी फॉल अपनी मच्योरिटी एज तकरीबन छः से आठ माह की एज के अंदर कहीं पर जाकर गेन कर लेता है और ब्रीड के काबिल हो जाता है अगर मैं लेइंग की बात करता हूँ तो गिनी फॉल तकरीबन आपको एक साल के अंदर सौ से सवा सौ के करीब अंडे प्रोवाइड कर सकता है और ये वो अंडे हैं कि जिनको आप खा भी सकते हैं और ये बिल्कुल देसी मुर्गी की तरह के अंडे होते हैं बस उससे ज़रा थोड़े से ज़्यादा स्टिफ होते हैं अगर मैं बात करता हूँ कि ये कितने अंडे देते हैं एक दफ़ा कुड़क मलने के लिए तो ये तकरीबन तीस अंडे देती है गिनीफॉल की फ़ीमेल और उसके बाद आप जिसको ब्रूडी फेज़ कहते हैं यानी कि ये कुड़क मल के उनके ऊपर बैठ जाती है और उनको इनक्यूबेट करना स्टार्ट कर देती है अब अगर इनकी इनक्यूबेशन के ऊपर बात करते हैं तो गिनीफॉल की फ़ीमेल तीस अंडे देने के बाद उनको इनक्यूबेट करना स्टार्ट करती है और ये इनक्यूबेशन पीरियड राउंड अबाउट ट्वेंटी सिक्स से लेके थर्टी डेज़ तक लास्ट करता है और एग्स हैच हो जाते हैं अब जो एग्स की हैचिंग रेशियो है वो राउंड अबाउट 80 से 90 परसेंट है 80 से 90 परसेंट चांसेज़ होते हैं कि एग्स हैच करेंगे और तकरीबन 10 टू तो 20 परसेंट के करीब एग्स जो हैं वो उनके वेस्ट भी हो जाते हैं अगर हम बात करते हैं इसकी मदर फीडिंग के ऊपर तो गिनी फॉल के जो बच्चे होते हैं वो मदर फीड के ऊपर नहीं पलते बल्कि ये पैदा होते ही ख़ुद से खाना स्टार्ट कर देते हैं अलबत्त ये अपने पेरेंट्स को फॉलो ज़रूर करते हैं कि वो किस तरह से अपने इन्वामेंट के अंदर अपना गुजर बसर कर रहे हैं गेनीफॉल बेसिकली एक ग्रुपिंग बर्ड है और ग्रुप्स के अंदर रहना ज़्यादा पसंद करता है इसी वजह से आप एक मेल के साथ तीन से चार फीमेल्स तक अटैच कर सकते हैं और ये आपको ब्रीड प्रोवाइड कर देंगे अगर हम इनकी डिजीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं तो इनके अंदर frequently आपको रानी खेत की डिजीज जस्ट लाइक हैंड्स देखने को मिल जाती है ये बेसिकली एक ऐसी डिजीज़ है जो बहुत पहले से इनके अंदर चलती आ रही है और बहुत जानलेवा बीमारी भी ये साबित होती है इनके लिए अदर देन दैट जो ये स्पेसिफिक गिनीफॉल या तेतरी मुर्गी है इसके अंदर आपको लेग्स पैरालसिस देखने को मिल जाता है इसके अंदर बेसिकली ये होता है कि इनकी जो टांगे हैं वो काम करना बिल्कुल बंद कर देती हैं और ये एक ऐसी पर्टिकुलर डिज़ीज़ है जो इस नस्ल के अंदर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पाई जाती है इसके साथ साथ आपको इनके अंदर एग योग सैक एक इन्फेक्शन भी देखने को मिलता है अब ये बेसिकली एक इस तरह का इन्फेक्शन है जिसके अंदर फीमेल जब अपने एग्स को इनक्यूबेट कर रही होती है तो अंडा छब्बीस से तीस दिन, दिन के इनक्यूबेशन पीरियड के बजाय सात से आठ दिन के अंदर ही हैच हो जाता है और अंडे के अंदर जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो कम्प्लीट नहीं होता और बच्चा इनकम्प्लीट खून से भरा हुआ उस अंडे से बाहर निकलता है ये बेसिकली वाइटमिनस और प्रोटीन्स की कमी की वजह से इनको ये इन्फेक्शन हो जाता है अदर दैन दैट इनको पैरासाइट वाले इन्फेक्शन भी हो जाते हैं जिसके अंदर पैरासाइट्स पड़ जाती हैं इनकी बॉडी के अंदर और इंटरनल और एक्सटर्नल पैरासाइट्स दोनों इन्वाल्व हैं इनके अंदर अब अगर मैं मेडिसन्स की बात कर लेता हूँ तो इन डिजीज़ के अंदर रिकमेंडेड है कि आप इनको एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करवाएं डज़न मैटर आप किसी भी डिजीज़ से डील कर रहे हैं जो मैंने अबव मैंशन करी है एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल लाजमी करवाएं क्योंकि एंटी बायोटिक का जो प्रोसीडिंग एक्शन होता है ऐसे डिजीज़ के ख़िलाफ़ वो बहुत ज़्यादा तेज़ होता है और इसके साथ साथ आप अगर इनको लेग पैरल की डिज़ीज़ के साथ डील कर रहे हैं तो आप इनको एवियन 200 हंड्रेड वाले कैप्सूल्स दें आपने एक कैप्सूल देना है इसको एक दिन के अंदर पानी के अंदर घोल के और अगर अब मैं इनकी प्रिवेंशन के ऊपर बात कर लेता हूँ तो हर बंदा चाहता है कि हमारा जो बिलवड बर्ड है या हमारा पेट है वो बीमार ना पड़े तो इसके लिए आपको कुछ सिलेक्टिव प्रिकॉशंस हैं वो लेनी पड़ेंगी अब इसके अंदर नंबर वन पे वैक्सीनेशनस आ जाती हैं अब इन की या फिर तेतरी मुर्गियों की इनकी स्पेसिफ़िक वैक्सीनीशनस अवेलेबल हैं जो आपके वेट हॉस्पिटल के अंदर बड़ी इजीली आपको वो प्रोवाइड कर देंगे रेकमेंडेड है कि आप इनको घर के अंदर लाने से पहले इनकी वो वैक्सीनेशन लाजमी करवाएँ ताकि आपका जो बर्ड है वो बीमार ना पड़े अदर देन दैट प्रिकॉशंस के अंदर आपको चाहिए कि आप हफ़्ते या एक महीने के बाद इनको पानी के अंदर खोल के कोई भी अच्छी एंटीबायोटिक लाजमी प्रोवाइड करें और इनकी इन्वायरमेंट का जितना ज़्यादा आप ख्याल रख सकते हैं रखें कि इन्वायरमेंट साफ सुथरी हो किसी किस्म का कोई गंद या किसी किस्म के कोई पैरासाइट्स या कीड़े मकोड़े इनकी इन्वायरमेंट के अंदर ना हो क्योंकि वो इनको तंग करते हैं और इसकी वजह से बीमार पड़ जाते हैं और यहाँ पर हम अपनी इस वीडियो के इख्ताम के ऊपर पहुँचते हैं अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें इसे शेयर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एज यूजल कॉमेंट सेक्शन के अंदर हमें बताएं कि हम अपनी वीडियो के अंदर क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं दिस इज़ अरहम नईम एन तला कुरेशी स्टेबलेस्ट